भाई कितना प्यार से उड़ रहे हैं, मस्त एकदम ठेला लगा के आराम से बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं। फोन देखते हो, ये देखो टुक 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 टुक, हल्का सा स्लो मिल गया यहाँ पे ट्रैफिक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक हूँ। आज जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सैटरडे है, तो थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है गाइस। 11:11 हो चुके हैं, आज थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और जो है दूसरी बात यह है कि आज का सीन थोड़ा सा चेंज है। आज मुझे थोड़ा सा बैंक वगैरह जाना है, सैटरडे है तो फर्स्ट सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे को ऑफ होता है, तो इस वजह से आज फर्स्ट सैटरडे है। तो कांचुली और ठूले तो आ चुके हैं, इनको थोड़ी देर धूप में, आज मैंने इसलिए सुबह सुबह नहीं लाया क्योंकि सुबह सुबह ठंड रहता है, डेली ये लोग जो ठंड में ही खेलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको इनको आज धूप में जो है थोड़ा सा खेल लिया खेल लेंगे। कल तो नाखून नाखून काट दिया था इनके। कांचुले आ जा बेटा, जल्दी आ जा। हाँ आ जा, आ गया मेरा बेटा, चलो ऊपर जा, थोड़ी देर दादा खेल लेगा, है ना, चले जा। दादा थोड़ा बदमाश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कंजले, क्या हो गया? हे बदमाशी बात कर, दादा को थोड़ी देर खेल लेगा, दादा वहाँ है, इधर खेल ले। हाँ तो खेलने जाएगी, हाँ टुक टुक खेलने जा रही है, टुक टुक देखो टुक टुक चल दी है, अब कहाँ जाएगी पता नहीं, देखो टुक टुक चल दी है। एक कांचु ले जाके पीछे पीछे टुक टुक के दोस्ती कर ले, दोस्ती कर ले। खुले आजा, भाई को छोड़ देते हैं, आजा तो काफ़ी देर से खेल रहा है, आजा आजा जल्दी खुले, आजा आजा बेटा, आजा जल्दी, आ आ गया मेरा बेटा, बुलाते आ जाता। बहुत ज्ञानी है दोनों के दोनों ना, बहुत ज्ञानी बेटा है ना मेरा। ये देखो टुक 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 टुक, क्या हो गया टुक टुक, कहाँ जा रही है टुक टुक, खेलने जा रही है टुक टुक, देखो। सो गाइस, कांचुले ठूले थोड़ी देर खेल लिए, टुक टुक भी खेल लिया। थोड़ा देर धूप में ना ज़रूरी होता है क्योंकि इंसान को जैसे कैल्शियम की ज़रूरत होता है, इनको भी होता है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा सैटरडे या संडे को जब भी फ्री होता हूँ, क्योंकि मोस्टली सैटरडे संडे को ही फ्री होता हूँ, तो मैं इनको लेके आ जाता हूँ धूप में, थोड़ा सा ना ठीक रहता है। सो गाइस, देख सकते हैं ये दोनों आ चुके हैं, क्योंकि ना मुझे लेट हो जाएगा, अभी 11:30 हो चुके हैं, मुझे जल्दी जाना था बैंक लेकिन आज लेट हो गया, पता नहीं लंच के बाद वो लोग काम करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, तो इसलिए फटाफट निकलता हूँ। चलते हैं भैया, फटाफट निकलते हैं, लेट हो चुका हूँ गाइस, पता नहीं 1 बजे के बाद बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मेरे तो अभी तो 12 बजने वाले हैं यार। चलो कम से कम रास्ता तो खाली है, अभी तो खाली है, आगे देखते हैं क्या होता है। हल्का सा स्लो मिल गया है यहाँ पे ट्रैफिक। देखो भैया कैसे निकल सकते हैं, ओए होए ये तो पूरा का पूरा आगे तक लगा हुआ है यार, साइड साइड से निकलने की कोशिश करते हैं भाई, उसमें कुछ लगा रहता है ना तो लेट हो जाते हैं यार। चलो ज़्यादा जाम नहीं था, निकल गए। ठंडियों के लिए अंगूठी वगैरह भी यहाँ से हैं बहुत सारे, ठंडी आ गई ना मौसम तो अंगूठी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी भाई। देखो उस तरफ ना जाम ही जाम लगा हुआ है, देखो ओए होए थार क्या चमक रहा है ब्लैक कलर में, फिर यहाँ पे जाम लग गया भाई, देखो पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, मस्त लग रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है पुराना किला लग रहा है, पुराना घेर रखी है उधर, इतना सारा पार्किंग कर दिया, आधा रास्ता तो इसने घेर लिया, आधे रास्ते में कितने गाड़ियाँ चलेंगे यार, इसके बारे में सोचना चाहिए यार, हर कोई पार्किंग में लगा के खड़ा है बेचारा रास्ते में। फिर भी लोग वहाँ खड़े ही हैं बस, आगे रखता लग रहा है खराब हो गया है। भैया रुक जाओ, मेट्रो स्टेशन भी यहीं बना दिया ना, इस वजह से जो है बहुत छोटा हो गया ये जगह। लो भाई पहुँच गए बैंक, अंदर ही पार्क कर देता हूँ इसको, अंदर जगह खाली होगी ना, अंदर ही कर देते हैं। फिर आप बैंक पहुँच गए हो गाइस,
देखते हैं कितना जल्दी काम हो पाता है या नहीं। Few minutes later. So guys, बैंक आ गया था, बैंक का काम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है ऊपर, बैंक के ऊपर चल रहा है, बैंक पर नहीं चल रहा है। सो इधर भी देख सकते हो बड़ा अच्छा सा लगा रहा है ना, अच्छा लगा के काम फाइनली हो चुका है मेरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने फटाफट कर दिया क्योंकि पुराने स्टाफ नहीं था ना, नए स्टाफ से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हो गया फाइनली। अच्छे लोगों के साथ ना अच्छा होता है, फटाफट काम बन जाता है, तो फटाफट निकलते हैं इसने। तो फिर मुझे अभी डॉक्टर के यहाँ भी जाना है आज, इस ब्लॉग में नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। इस ब्लॉग में जो है अभी घर चलेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के। सो गाइस निकलते हैं बैंक से, फटाफट निकल रहा हूँ अभी, इसे निकल जाते हैं। शुरू में तो कह रहा था कि बाद में आना, कल परसों, मैंने बोला यार भाई इतना छोटा सा काम के लिए बाद में आना का क्या मतलब। ये लो भाई यहाँ पे लग रहा है डीटीसी बस पंचर हो गई है, जबरदस्त तरीके से पंचर हो गई है डीटीसी बस, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो कौवे और कबूतर, ओए होए कितना प्यार से उड़ रहा है, मस्त एकदम अच्छा लगा। कबूतर उड़ाता हूँ ना तो मुझे एक ना अच्छा सा फील होता है, वो फील ना मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि अलग ही लेवल का मजा आता है उसमें मुझे। इधर देखो घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा जगह कम है ना, छेप भी सकता है भाई ये, देख सकते हैं घड़े वड़े अच्छा सा बना, मतलब मार्केट है, छोटा सा है मतलब रोड के किनारे। ये देखो यहाँ पे फोर्ड वगैरह है, ये देखो यहाँ पे, हाँ भाई थोड़ा साइड करके रोक लेता, चौधरी बन के बीच में खड़ा कर दिया भाई, जबरदस्ती ठूसने के चक्कर में लगा हुआ है बंदा। चलो भैया, अरे भाई लंबाई जाम लग रहा है क्या इस टाइम में जाम, अभी तो 1 बज गए हुए। ये लोग बीच बीच में गाड़ी खड़ा करके ना और ज्यादा जगह घेर दिया इन्होंने, भाई ठेला लगा के आराम से बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं, फोन देखते हो आजकल तो जहाँ जाओ वहीं जाम मिल जाता है यार, निकलना बहुत मुश्किल है भाई। आजकल जो है ना गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई ना, लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाएंगी एक दिन ऐसा आएगा। सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तीन तीन हो गई, एक नहीं दो नहीं तीन, भाई हिम्मत है भाई भैया की। भाई लग गया जाम, अब ये जाम जो है ना 1 किलोमीटर का जाम है भाई, ये इस रेड लाइट से लेके उस रेड लाइट तक जाम है, उधर भी जाम लगा हुआ है आज तो, क्या हो गया है दिल्ली को, हर जगह जाम ही जाम भाई, कम से कम आधा घंटा लगेगा वो जहाँ तक दिख रहा है ना, सारा का सारा जाम है भाई। ओह किए क्या मस्त लग रहे ना इलेक्ट्रिक में, ओह मस्त मज़ा आ गया देख के आज। चलो भाई चलो खिसक खिसक के चलते हैं धीरे धीरे, जैसे ये लोग चल रहे हैं ना हम भी ऐसे ही चलेंगे धीरे 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 धीरे, देख रहे हो एक एक गाड़ी खिसक रही है धीरे धीरे, हम भी थोड़ा सा खिसकते हैं भाई, चलो खिसक लेते हैं थोड़ा सा, खिसक खिसक के चलेंगे धीरे धीरे, हम भी चींटी की तरह रिंगते रिंगते ही, पूरा 1 किलोमीटर से ज़्यादा का जाम है ये, लेकिन आज भी बुरी तरह से फंस गए भाई जाम में, लगभग मुझे 15 मिनट लगा, 15-20 मिनट लगा निकलने में। क्या चीज़ है भाई ये, किस चीज़ का एंगल लेके जा रहे हैं, सॉकर वगैरह भी है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, समझ में नहीं आया है तो है क्या चीज़। चलो जो भी है अच्छा दिख रहा है, क्यूट सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा, तो उड़न खटोला जा रहा है, इसको मैं उड़न खटोला ही बोल रहा था, ना स्कूटी है ना बाइक है ये। इस बैंक से आ गया, ये देखो टुक टुक ले, टुक टुक को खाना दे देता हूँ, टुक टुक खा ले, आ गई तो कितनी प्यारी लग रही है आज है ना, चल खाना खा ले। हाँ सो गाइस बैंक से मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जाम में फंस गया लेकिन काम फटाफट हो गया, ऐसी दिक्कत नहीं हुई। सो अभी फ़िलहाल जो है ना ब्लॉग शुरू किया तो एंड भी करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वहाँ जाऊँगा ना तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, अभी फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, अभी डॉक्टर के यहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट भी ले चुका हूँ मैं, 4 बजे उन्होंने बुलाया है, अभी कॉल भी हो सकता है कर लें वो, तो पिछली बार तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला था और जा नहीं पाया था सैटरडे को क्योंकि संडे को इनका ऑफ होता है। सो फिलहाल
इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।